हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निकू सुमित एंड ऑफिशियल। सो कैसे हो आप सभी? और कल मैं गई थी किट्टो के यहाँ पे, लेट हो गया था थोड़ा सा आने में। नींद ऐसे लग रहा है ना कि ऐसे लग रहा है कि मतलब मुझे कोई छोड़ दे तो दो चार दिन तक आराम से सो ही रहूँ। बॉडी इतनी ज़्यादा थक गई है, बट काम बहुत सारे हैं। अभी बीच में थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, मेरे मायके का वो था, अरे ससुराल में पूजा पाठ थी, उसमें लग गई मैं और कल एनिवर्सरी में चली गई। किट्टो ने बहुत प्यार से इनवाइट किया था, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यार जाना चाहिए, तो चली गई। और उसके बाद फाइनली फिर से वापस लगे एनिवर्सरी की तैयारियों के लिए। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ गांधीनगर मार्केट, वहाँ से मुझे लेना है धनवा के कपड़े, जो यहाँ मेरे मायके की तरफ से बाबू के लिए जाएगा। धनवी के लिए भी नहीं लिया है, धनवी का लेना है, धनवा का कपड़ा लेना है, प्लस पतिदेव और भाई का कपड़ा वहाँ पे दिया गया था तो वो लेने हैं। थर्ड वहाँ से मेरी मम्मी की और बहन की, तीनों जने की जो ज्वेलरी होगी फंक्शन वाले दिन पहनने के लिए, वो ख़रीदनी है। पहले मैंने सोचा था मैं ऑनलाइन लूँगी, बट ड्रेस फाइनल होने में ही इतना टाइम लग गया और अभी तो ऑनलाइन मैं बुक कर ही नहीं पाऊँगी बिकॉज टाइम नहीं है। आज 22 है आज, तो टाइम तो है नहीं, तो ऑनलाइन आ नहीं पाएगा, तो मुझे जाके मार्केट से बाय करना पड़ेगा, तो वो लेने। फिर घर आऊँगी या घर अभी गांधीनगर जाने से पहले मुझे टेंट वाले से मिलना है, जो फर्स्ट डे फंक्शन है, कीर्तन है, तो उसमें हम लोग रात को थोड़ा सोचा है, बिल्कुल ज़रा सा मेहंदी फंक्शन का प्लान किया है, तो डेकोरेशन करने वाले से बात हुई है, तो थोड़ा वो सब डिस्कस करना है। ढोल के लिए बोला है, वो ढोल वाले से कुछ जाना है पापा के साथ फाइनल करने के लिए। मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है ना कि मैं बोल रही हूँ पापा आप देख लीजिए कर लीजिए, भाई से बोल रही हूँ तो सबका नहीं, फिर तू बाद में बोलेगी ये ऐसे नहीं ऐसे, तो तू ही साथ चल, तो इसलिए और चीज़ें रह जा रही। केक का ऑर्डर दे दिया है, अभी फूलों की जो माला है उसका ऑर्डर नहीं दिया है, अभी वो करना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो ब्लॉग में आप बने रहें, इन्जॉय करें। चलते हैं आज मेरे साथ मार्केट और आपको दिखाती हूँ मैं कौन सी ज्वेलरी ले रही हूँ मम्मी के लिए। मैं थोड़ा सा हैवी ज्वेलरी लूँगी, बाकी जिसको जो सोचना सोचता रहेगा। भैया 25th एनिवर्सरी है, जो बार बार नहीं आएगी, तो थोड़ा सा हैवी मैं सोच रही हूँ उनको एक ब्राइड की तरह, रिसेप्शन ब्राइड की तरह रेडी करूँ। जो एक्चुअल जो शादी वाले दिन ब्राइड होती है वैसा नहीं, बट थोड़ा रिसेप्शन ब्राइड की तरह उनको तैयार कराऊँ। चलो चलते हैं, ज्वेलरी लेते हैं। अभी उनके बैंगल्स भी बनवानी है, चूड़ियाँ सारी बनवानी है। मैं तो चूड़ा पहन लूँगी यार, मैं नहीं बनवाने वाली चूड़ी, मैं नॉर्मल चूड़ा पहन लूँगी। चलो चलते हैं मार्केट, लेट हो रहे हैं काफ़ी। मैं रेडी हो गई, बिंदी कहाँ है? मैंने नॉर्मल आज टॉप पहना है और नॉर्मल नीचे जीन्स पहनी है और बस लाइनर लगा दिया, न्यूड से लिपस्टिक, फेस पे कुछ नहीं लगाया बिकॉज कल ना बहुत सारा मेकअप किया था तो मन नहीं कर रहा था आज कुछ भी लगाने का, फेस मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। लेट हो रहा है काम। सो गाइज, पापा के साथ स्कूटी पे बैठ के मैं निकल गई टेंट हाउस, जहाँ पे टेंट विंट किया था, उनसे थोड़ी सी बातचीत करनी थी वहाँ के लिए, और थोड़ा सा टाइम मिला मेरे पापा लगे अपनी स्कूटी साफ करने, वो ऐसे ही करते हैं हमेशा। फाइनल हो गया, अब जाके मेरे चेहरे पे थोड़ी स्माइल आई थी, आई वरना मैं सुबह से ना सिर्फ गुस्से में घूम रही थी। मम्मी भी कह रही थी कि मुँह बना रखी है क्योंकि मुझे बहुत इरीटेशन थी। टेंट में बहुत सारे चेंजेस मैंने करा दिए ना, वो उसने बोला मुझे नहीं, वो नहीं, दूसरे किसी से बात हो गई है डेकोरेशन वाले से, अभी वो फोटोज़ भेज रहा है तो सेलेक्ट करना है। और मतलब इतनी सारी चेंजेस, हमारे पास ना थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है गाइस, वो तो मैं खुद ही मानती हूँ। आप लोग हमेशा बोलते हो कि घर आपका थोड़ा सा छोटा ही है, गाइस मेरा जो मायके का घर है वो बहुत छोटा है, लेकिन अब हमें लगने लग गया छोटा, पहले नहीं लगता था क्योंकि अब हम लोग थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए, बट हम बहुत खुश हैं बिकॉज ये कई साल पहले का हमारा ये घर है, कई सालों से है, तो जैसे जैसे आगे विक्की बड़ा होगा तो वो खुद आगे लेगा, ये पापा ने अपनी मेहनत से लिया, भाई लेगा, तो अभी तो हमारे घर में भाई छोटा है, अभी जॉब वॉब नहीं करता है, तो इसीलिए तो स्पेस हमारे घर के आगे ना थोड़ा सा पतला है, तो उसके हिसाब से हमें मतलब कितना भी हम अच्छा चाह रहे हैं तो वो टेंट का हो नहीं पा रहा था स्पेस की वजह से, बट आज जाके मैंने थोड़ा सा देखा, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कराई है, डेकोरेशन वाले से बात किया है, अब देखते हैं। वैसा हो पता है नहीं, ये चीज़ एक काम निपट गया, सेकंड काम अब हम जा रहे हैं बैंक्वेट हॉल, वहाँ पे जाके मेन्यू सेलेक्ट करना है और एक दो चीज़ें और वहाँ पर बात करनी है, तो चलते हैं बैंक्वेट हॉल और वहाँ चल के करते हैं मेन्यू सेलेक्ट और सारी चीज़ें। चल मम्मी दो यार पर्ची, पापा का वो ड्रग का वो भी लेने जाना है कोट उधर से। रोड पे देखने लग जाते हैं जैसे कहीं गुना ही कर रहे हैं। सो गाइस, हम तीनों जन जा रहे हैं जेब में हाथ डाल डाल के। सो
अंकल भी देख रहे हैं गाड़ी में से कि ऐसे कोई बहुत उसमें तो वो सेलेक्ट कर रहा है। सो गाइस हम लोग पैसा उनको दे देंगे हम। बैंक्वेट हॉल वो तो है, आपको दिखाती हूँ बैंक्वेट हमने कौन सा वाला फाइनल किया है। क्या वो पता यही वो प्यारा सा बैंक्वेट है जहाँ फंक्शन होने वाला है। अभी तो डेकोरेट नहीं है, मतलब अच्छे से डेकोरेशन वगैरह हो जाएगी तब बहुत अच्छे से नज़र आएगा आपको सब कुछ। चलिए कोई फंक्शन हो रहा है, अंदर कोई फंक्शन हो रहा है, चलो देखते हैं क्या हो। सो गाइज़ यही है बैंक्वेट और आज यहाँ पे रोका सेरेमनी चल रहा था फंक्शन, तो हम लोग गए तो अभी अच्छे से डेकोरेट नहीं था तो मैंने वही थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे मेरे मन में तो मैंने किए। फिर हमने मेन्यू सेलेक्ट किया कि हमें क्या क्या चाहिए, मैंने विक्की को भी बुला लिया था, भाई सबकी राय इक्वल होना ज़रूरी है। सो विक्की भी आ गया था और यहाँ पे पापा पेमेंट वगैरह कर रहे थे और फिर हम सब ने बैठ के मेन्यू सेलेक्ट किया कि क्या क्या होना चाहिए फंक्शन वाले दिन। और कोई काम तूने किया बाइक पापा आप ले जी बाहर जा रहा था मोटा पॉलिसी लगवाया मैंने पैसे दे दिए 3 कॉफी और नहीं वहाँ खड़ा कर सिर्फ 1 कॉफी। तो कॉफी मैं तो जा रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक घर ही जा रहा है और कहाँ जाना है घर से वो जा भाग भाग दो कोल्ड ड्रिंक उसको दे दियो भाई जल्दी बता कोई नहीं जा वो भाई दोनों के कपड़े लटके क्या कह रहे हैं वो कुछ पता नहीं निकला हुआ था तो कह रहे हैं करके दूंगा बाद में मतलब कब दूंगा कल दूंगा ये तो टाइट सा लग रहा है पेट से ही आएगा नहीं साइज सेम है बट पेट एक मामा पूछ रहे मामा घूमने जा रहे एक पूछ दो हाँ पीछे करना कैसे कर रहे थे एक पूछी दो पूछी दो एक मामा को दे 20 रुपए को लग रहा है क्या दरा नहीं भाई बबन क्या दे भाई कितना गुड़िया खरीदे नहीं फाड़ दी खाली गुड़िया ही खाली गुड़िया हाँ गुड़िया पूछी दो पहले नया सीख लिया मामा घूमने जा रही बाय नन्वी बाय जा बाय नन्वी कब ले बस टाइम लगी लगभग करी ना ना हो जा चला हम लोग निकल गए गांधीनगर मार्केट जाने के लिए हमारे शिवम भैया के कपड़ा लेके के लाए लो अभी रास्ते में मिल गया आम पापड़ जो वो ठेली वाली मिलता है ना आम पापड़ इमली शिवम के पैर पे ई रिक्शा रुक गया और शिवम कह रहा भैया 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 करके रोने लग गया क्या बोला क्या शिवम की कंपनी हमें इसलिए बहुत अच्छी लगती है बिकॉज वो ना कुछ ना कुछ हमेशा ऐसे बोलता रहता है कि हंसते हंसते हमारा पेट दर्द चेंज नहीं है। हाँ सो गाइज हम लोग निकल गए और यहाँ पे आपने देखा विक्की को मैं मना रही थी क्योंकि विक्की का कोई एग्जाम था तो उसका टाइम आउट हो गया था तो उसका अच्छा नहीं गया था तो बेचारा मुंह बना के बैठा हुआ था तो मैं जबरदस्ती इसको लेके गई जा नहीं रहा था मुँह लटका के बैठा हुआ था क्या
विक्की के ऊपर है आज पूरे ब्लॉग ही विक्की का। मेरी तरह बैन निकल गई तेरी तुम्हारे विक्की से छोटा छोटी कॉल है उन्होंने बड़ा जाकर मिले। अच्छा किसी को भी गाड़ी का क्लास करना हो प्लीज कॉन्टेक्ट सेकेंड फ्लोर सीलमपुर पहुँच गए हैं आज हम सीलमपुर मेट्रो स्टेशन उतरे हैं यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं और फिर मार्केट के लिए जाएंगे। शाम के बज गए हैं टाइम कितना हो रहा है 5 बज गए सुबह से वहाँ का ही काम में मतलब टाइम लग गया चीज़ें करते करते तो इसीलिए लेट हो गए। बट आना तो आज तो कैसे भी यहाँ का काम निपटाना था क्योंकि कल से फिर बुआ वगैरह आ जाएंगे तो फिर उनका भी थोड़ा बहुत शॉपिंग तो रहेगा हो गया या फिर उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना है मुझे भाग भाग के ही नहीं चले जाना है मायके से तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये गांधी नगर वाला काम आज निपटा देती हूँ। सो बस चलिए चलते हैं मार्केट में। ज्वेलरी के लिए काफ़ी कंफ्यूजन है यार मैंने दो चीज़ ले रखी है अब दोनों में से कौन सा पहनना है वही समझ नहीं आ रहा है। यार बट ग्रीन बहुत रेड भी प्लेन रेड है ना रेड भी ग्रीन का बहुत ही अच्छा लगेगा मैं सोच कर आई थी अभी सारा पहन लेंगे गोल्डन तो है नहीं तो सिल्वर नहीं गोल्डन लहंगे पे अच्छा ज्यादा मम्मी भी सही लग रहा है मम्मी भी मतलब ज्यादा ये हैवी में नहीं सही है मतलब सही है मैचिंग का आपकी मैचिंग अच्छा लगा ये वो है कुछ पतला सा लेयर डालना कंफ्यूज वो येलो वाली ड्रेस पे मेरा आ गया है वो येलो वाली ड्रेस पे आ गया मेरा दिल तेरा दिल कहीं भी आ जाता है अब मैं क्या करूँ उस येलो वाली ड्रेस पे मेरा दिल आ चुका है फिर मेरे को लेनी थी एक ड्रेस तो फिर मैंने देखा कि समझ आ जाए कि कुछ ग्रीन कलर का ले लेती हूँ मेहंदी हल्दी पहनने के लिए बट बहुत सारे ऑप्शंस देखे बट कुछ समझ आ नहीं जाता मुझे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न चाहिए था तो ये वाली ड्रेस मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी थी बट मैंने लिया नहीं दिया वो आपको लास्ट में बताऊँगी। लेना है
पार्टी वाले दिन करने के लिए सूज, तो मैंने सोचा आई हूँ यहाँ पे सैलेट से। तू भेज अपने फोन से। आई थी पति देव की शॉपिंग के लिए, बट मैंने अपने लिए एक हील्स ले लिया पार्टी वाले दिन पहनने के लिए। बहुत ही प्यारा से लिया है, बाद में घर चल के आपको दिखाती हूँ, आप लोग देखना और बताना कैसा लग रहा है। थक गई हूँ, बैंड बज गई है। रिकॉर्ड हो गया, कैमरा ऑन था, चेपरा खाली ऑन हो गया है रिकॉर्ड। सो गाइस हम लोग अभी मार्केट में ही है, कितना टाइम हो रहा है, 8 बज गए। तीन बार बोल रहे बोला, एक बार आपको ऑर्डर दिया, एक बार दूसरा कोई लेके गया। हाँ, सो हम लोग थोड़ा सा बैठ कुछ खा रहे हैं, धनवी से बात हो गई, तुम भी अपनी नानी के पास खेल रही है, और बस थोड़ी देर में जाएंगे घर। जो जो इतना शॉपिंग हुआ, पति देव के कपड़े ले लिए, उनके शूज ले लिए, और मेरा थोड़ा बहुत रह गया था वो ले लिया, ज्वेलरी ले ली, बहुत सारा काम किया, ज्वेलरी ले ली है, बट अभी मेरे को ना थोड़ा कुछ अलग डिज़ाइन नहीं मिला है, बट मैं घर जाके पर ऑनलाइन चेक करूँगी कि अगर 25th तक का डिलीवरी दिखाएगा तो ऑर्डर से नहीं आ पाएगा, 22 का 23 शॉपिंग। सो गाइज यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर शेरवानी थी, और शेरवानी देख के मुझे ऐसा लगा यार कब मेरे भाई की शादी होगी इसके लिए लूँगी, मुझे इतनी अच्छी लगी थी। मैं तो कह रही हूँ बाहर ही छोड़ दी तुम सबको। मम्मा जाओ, मम्मा अय्या हमारा बुझा ना, तेरा दिमाग में नहीं, मैं जा रही हूँ अभी, मम्मा कहाँ गई थी, मम्मा कहाँ गई पापा के पास, नहीं मम्मा आपको छू के धोई जाएगी पापा के घर। अदन भी हम लोग भी नहीं थे, हमसे भी मिल लो, मम्मा को पहले पूछी दो, पूछी। सो गाइज मैंने ये लिया था बहुत ही सुंदर सा क्लच फंक्शन वाले दिन के लिए, कैरी करने के लिए, मैं चाहे मम्मी कोई भी कर लेगा, तो ये बहुत ही सही रेंज में मुझे वहाँ पे मिल गया था, तो मैंने एक ये क्लच ले लिया। और मैंने ली थी एक अपने लिए हील्स जो फंक्शन वाले दिन पहनना था, क्योंकि मैं वहाँ से कुछ लेके नहीं आई थी और मुझे थोड़ा सा कम्फर्टेबल चाहिए था कि मैं अपना इधर उधर जा पाऊँ, तो ये और शूज़ लिया था जो पति देव के लिए लिया था उनके ड्रेस के साथ पहनने के लिए। और मेरा हील्स मैं दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर सा है, आजकल ये ट्रेंड में है ऐसा कुछ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और ये बहुत कंफर्टेबल था, मुझे सही लगा, सही रेट में मिला, तो ले लिया। के बज रहे हैं 11:30 और हम लोग मार्केट से आके बस आराम कर रहे थे, और अभी हम पी रहे हैं चाय। खाना हम लोगों ने बाहर वही चाउमीन वाउमीन खाया था, तो मन नहीं था खाने के लिए। और बिग बॉस चलता है, कौन कौन बिग बॉस देखता है, मैं तो शादी के बाद से छूट गया मेरा बिग बॉस देखना, मैं शादी से पहले देखा करती थी, अब चाय पी गए और फिर सोए गए, बहुत ही दर्द है, बहुत ज्यादा।